विजय जी, अब उनसे जाने के उन्होंने देख लिया टोटल धमाल फिल्म, तो कैसा है आपका रिएक्शन टोटल धमाल फिल्म देखने के बाद? टोटल धमाल, इस जमाने में मल्टी स्टार फिल्म बनाना बहुत बड़ी बात है। क्या बात जो इंद्र कुमार ने बनाई, किसी जमाने में लोग बनाते थे, आज के जमाने सारे स्टार्स को जमा करना बहुत बड़ी बात है। लेकिन फिल्म कंटिन्यूटी नहीं है, माधुरी अनिल कपूर आ गए शॉर्टकट, अजय देवगन आए शॉर्टकट, अब कंटिन्यूटी नहीं बना रहे, एक एक ऐसा लग रहा है कि एक सीन एडिट करके बना दिया। तो पूरी फिल्म कॉमेडी है, फैमिली बैठ कर देख सकती है, मज़ा आएगा, लेकिन वो बात नहीं बनी जो इंद्र कुमार की पिक्चर में बनती है। जैसा भी रिमिक्स गाना बना दिया लो, मुंगड़ा हिरन जी का आप मुकाबला नहीं कर सकते हो। 40 साल से आज वो गाने को देख रहे हैं, आज भी लोग डांस करते हैं उसी गाने पर, उस गाने का आपने सत्यानाश कर दिया। रिमिक्स बनाना है तो रोहित शेट्टी और करण जौहर से सीखो, जो आँख मारे एक लड़की आँख मारे उसको नया तड़का दे के बनाया, क्या मज़ा आ गया। अब मुंगड़े को गाना सुनक्षी ने डांस अच्छा किया, लेकिन गाना ऊपर नीचे हो गया। फिल्म में अजय देवगन भी है, उन्होंने कॉमेडी की, और गोलमाल में भी वो काफ़ी ज़्यादा कॉमेडी कर चुके, तो कैसे लग रहे हैं हमारे अजय देवगन फिल्म में? सभी ने कॉमेडी बहुत अच्छी की है, माधुरी अनिल कपूर अजय देवगन जावेद जाफरी अरशद वारसी सभी ने काम अच्छा किया। लेकिन स्क्रिप्ट अगर अच्छी नहीं हो तो क्या करें वो लोग भी, तो बड़े बड़े स्टार है, स्क्रिप्ट अच्छी नहीं है। अच्छा, उसी खजाने के पीछे जा रहे वो लोग, उसमें 5 करोड़ 10 करोड़ था, इसमें 50 करोड़ है। अच्छा, लेकिन वो जम नहीं रहा कि क्यों जा रहे वो लोग, क्यों जा रही है ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ, मज़ा नहीं आया, कुछ मज़ा नहीं आया कि क्यों जा रहे हैं लोग। अच्छा, और जा रहे तो किस तरह जा रहे हैं? अच्छा, वो जॉनी लीवर ने बोलते ये पहले ऑटो था उसका हेलीकॉप्टर बना दिया, मतलब ये मतलब फनी कॉमेडी कोई मतलब नहीं, ठीक है आए थिएटर में आओ हंसो चले जाओ। अच्छा, मुझे माधुरी बहुत अच्छी लगी। अच्छा, माधुरी बहुत ही अच्छी लगी, अभी भी दिल में जो थी वो आज भी ऐसी लग रही है, वैसे ही डांस करती, क्या एंट्री थी उसकी, पैसा वो पैसा डांस करती है ना, क्या एंट्री थी जबरदस्त। कितने सांस देंगे आप पिक्चर को? 5 में से 2.5 दूंगा, और अनिल कपूर और माधुरी अभी तक ऐसे ही लग रहे दोनों जन, यंगेस्ट कपिल, उनको 5 में से 5 दूंगा। 5 में से 5 देंगे, और अजय देवगन के लिए ओके 5 में से 4 5 में से 4 ठीक है, और बाकी हमारे आदि मानव ठीक है, अभी सब वही उन्होंने वही किया है, किसी ने कोई नयापन नहीं किया, सब अपना अपना काम किया, सब अपना अपना काम किया। फिल्म का डायरेक्शन और VFX वगैरह कैसा है? VFX अच्छा था, लेकिन बाकी सब ठीक ठाक है, बाकी सब ठीक ठाक है, एवरेज। वन टाइम वॉच, बच्चों को शायद पसंद आएगी, अगर ये पिक्चर नहीं चलती है तो गली बॉयज को फायदा होगा।